नमस्कार, प्राइम बीके न्यूज में आपको स्वागत है। खबर रायबरेली से है। प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने 76 पीआरडी जवानों को महानिदेशक कार्यालय से ड्यूटी से हटा दिया गया। संबंधित जवानों पर कम उम्र में प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया गया। वहीं ड्यूटी से हटाए जाने के विरोध में आज डीएम कार्यालय पर एकत्रित जवानों ने प्रदर्शन करके ड्यूटी दिलाने की मांग की। आरोप है कि 30 से 35 साल से काम करके परिवार चला रहे थे, अब इस उम्र में ड्यूटी से हटाए जाने से परिवार के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वही बता दें कि इस मौके पर कलेक्टर इस डीएम कार्यालय पर काफी लोग पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही डीएम को नौकरी पर रखे जाने की प्रार्थना पत्र देकर मांग कर रहे हैं। वही पीआरडी जवानों ने कहा है कि विभाग ने कम उम्र में प्रशिक्षण लेने की बात कहकर ड्यूटी से हटाकर परेशान करने का काम कर दिया है। लंबे समय से ड्यूटी करते आ रहे और 35 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, अचानक काम बिछड़ने के कारण परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। इस उम्र में दूसरा कोई काम भी नहीं किया जा सकता और ना ही कोई काम मिल सकता है। वही सभी जवान ईमानदारी से काम करते चले आ रहे हैं, अचानक ड्यूटी से हटाकर शोषण किया जा रहा है। जल्द ही ड्यूटी ना लगाई गई तो शासन स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसको दौरान ही पीआरडी जवानों के चेहरों पर मायूसी देखने को भी मिल गया। प्राइम मेगा न्यूज शनि के लिए राम भवन। कहाँ तैनात है? विकास कंसलों से है। किस विभाग में तैनात है? पीआरडी विभाग में। क्या समस्या हो गई, क्यों निकाल दिया गया है? हम लोग जी 87 से ट्रेनिंग किए, तब से अभी तक काम कर रहे थे पीआरडी में, लेकिन अभी पता नहीं कैसे तत्काल हम लोगों को ये 1 तारीख से हटाया गया है। आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपको फिर से वापसी ली जाएगी? वो तो जी ऊपर वाला जाने। यहाँ हेड ऑफिस आए थे, क्या कहा उन्होंने? यहाँ से बताएं कि आप लोग अंडर रेल में हैं, इसलिए आपको हटाया गया है।